तो भैया सर्दी आ चुकी है और सर्दियों में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक रूम हीटर की। और यही रूम हीटर अगर आप मार्केट से लेने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको इसके 2,000 रुपये भी देने पड़ सकते हैं। तो ऐसा ही एक रूम हीटर मैं आपके लिए आज बनाने वाला हूँ, जिसे मैंने जुगाड़ू तरीके से घर पर ही तैयार किया है। तो इसे बनाने के लिए मैंने एक रसूखोले का डिब्बा लिया है और हीटर बनाने के लिए हमें नाइक्रोम वायर की भी ज़रूरत होगी। तो हमने नाइक्रोम वायर मार्केट से ले ली थी, जिसे मैंने 20 रुपये में परचेज़ किया है। उसके बाद मैंने एल्यूमिनियम की रॉड को कुछ इस तरह से डिब्बे के शेप में बैंड कर लिया ताकि हम इसके अंदर इसे लगा सकें। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो वायर है वो डिब्बे के ऊपर टच ना हो, नहीं तो ये डिब्बा स्पार्किंग हो सकता है। तो इसके अंदर मैंने नाइक्रोम वायर 15 रिंग को मैंने कट करके लगाई है, यानी जब आप नाइक्रोम वायर मार्केट से लेकर आओगे तो उसके गिनकर आपको 15 रिंग कट कर लेने हैं, तभी वो 12 वोल्ट पर काम करेगी। उससे ज़्यादा पर वो काम नहीं करेगी और उससे कम पर वो मेल्ट हो जाएगी। तो उसके बाद मैंने इस तरह का सीपी वाला फ़ैन लिया है, ये भी 12 वोल्ट पर काम करता है। तो इसकी वायर को मैं इन टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट कर लूँगा ताकि हम जब इसे सप्लाई दें तो उसके साथ हमारा फ़ैन भी काम करे और जिसके आगे वो हमें हीटिंग आगे प्रोवाइड करा सके। तो इस रूम हीटर को मैंने कुछ इस तरह से बनाया है, जिसे आप इसे 12 वोल्ट 4 एम्पीयर के चार्जर के साथ भी चला सकते हो, और अगर आपके पास कोई बाइक या फिर ऑटो रिक्शा वाली बैटरी है तो आप उसके साथ भी इसे चला सकते हो। तो उसके बाद हम इन टर्मिनल्स के ऊपर दो और वायर कनेक्ट कर लेंगे, जिसके थ्रू हम इसे सप्लाई देंगे ताकि इसकी वायर्स लंबी हो सकें। उसके बाद मैंने इसके ऊपर पेपर टेप भी लगा लिया है, तो अभी मैं आपको गाइस टेस्ट भी करके दिखा देता हूँ। तो जिसके लिए मैंने 12 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी घर पर ही बना ली थी। तो इसके वोल्टेज मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे कि मैं इसे 12 वोल्ट पर नहीं चला रहा हूँ। तो आपको मैं अभी टेस्ट आपके सामने करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए हम इसकी वायर्स को जोड़ लेते हैं। गाइस देखिए, इसके साथ इसका फ़ैन तो चल चुका है, तो मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ और अब मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो गाइस एक मिनट के लिए मैं इसका फ़ैन रोक लेता हूँ और अभी आप देख सकते हो इसकी वायर जो है वो लाल होने लग गई, यानी ये हमारा हीटर जो है वो अच्छी तरह से काम करने लग गया है। तो इसके बाद मैं आपको लाइट ऑन करके भी दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास टेम्परेचर मीटर नहीं है, तो इसके मैं टेम्परेचर आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो उसके बाद हम इसका स्टैंड भी बना लेंगे। तो इसके स्टैंड बनाने के लिए मैंने इसके अंदर दो होल कर लिए थे, जिसके अंदर मैं इस तरह की वायर्स को इसके अंदर नट के थ्रू जोड़ देता हूँ। तो गाइस वीडियो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना।